أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरी प्यारी माँ बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप तमाम की परेशानियों को दूर फरमाएँ। आज मैं आपके लिए सूरतुल कौसर का एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह वो मेरी माँ बहनें जो अपने शोहर के रवैये से तंग आ चुकी हैं, अपनी शोहर के रवैये से परेशान हैं, शोहर आपकी कोई भी हक़ पूरा नहीं करते, कोई भी हकूक़ आपकी अदा नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते, अपने भाई बहनों और अपनी माँ की बात जो नाजायज़ भी हो तो उसे मान लेते हैं और आपकी कोई भी हक़ पूरा नहीं करते, गलती चाहे किसी की भी हो उसे कुछ नहीं कहते, सिर्फ आपको ही डांटते हैं और मारते हैं, हर वक्त आपसे नाराज़ रहते हैं और आप पर तवज्जा नहीं करते, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से इस अमल के बाद आपके शोहर आपसे वालेहाना मोहब्बत करेंगे, आपके हुक्म के ग़ुलाम हो जाएंगे, यानी आप जो भी कहेंगी इंशाअल्लाह शोहर वैसा ही करेंगे, शोहर आपकी हर बात मानेंगे, इंशाअल्लाह आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। अमल कुछ इस तरह है, ये अमल आपने 3 दिन करना है, बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल अमल है। अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश कर दूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें, कहीं से भी वीडियो को नहीं छोड़ें, इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये अमल मैंने जिसे भी बताया है अल्लाह ताला के फजल व करम से उन्हें बहुत ही फ़ायदा है और आज वो मुझे दुआएँ देती हैं। अमल आपने करना यह है कि जुमरात जुम्मा हफ्ता हफ्ते में 3 दिन ये अमल करना है, वो इस तरह कि बाद नमाज ईशा, पहले दिन आपने बाद नमाज ईशा यानी जब आप ईशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हो जाएं, तो आपने एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिम आपने एक मर्तबा पढ़ना है, एक मर्तबा पढ़ने के बाद आपने 13 मर्तबा सूरतुल कौसर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये सूरतुल कौसर आपने 13 मर्तबा पढ़ना है। 13 मर्तबा पढ़ने के बाद आपने फिर एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इतना करने के बाद आपने करना यह है कि आपको 3 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने लेने के बाद आपने उस दाने पर फूंक मारना है यानी दम कर देना है, फिर उस दाने को आप संभाल कर रख दें और दूसरे दिन आपने बाद नमाज असर यह अमल करना है। वो इस तरह जब आप असर की नमाज़ पढ़कर फारिग हो जाएं, तो एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम और 10 मर्तबा सूरतुल कौसर यानी दूसरे दिन आपने 10 मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़ना है। पहले दिन आपने 13 मर्तबा और दूसरे दिन आपने 10 मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़ना है। इतना करने के बाद आपने फिर एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसी चावल पर दम करना है जिस चावल पर आपने पहले दिन अमल किया था। उसके बाद आपने तीसरे दिन यानी हफ्ते को आपने फिर बाद नमाज ईशा ये अमल करना है और एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम और फिर 13 मर्तबा सूरतुल कौसर और फिर एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इतना करने के बाद आपने फिर चावल के दाने पर दम करना है और करना यह है कि उस चावल के दाने को अपने मुंह पर रखना है यानी अपने मुंह के अंदर रखना है और आंख बंद करके अपने शोहर का तस्वीर करना है। थोड़े देर तस्वीर करने के बाद आपने उसी तस्वीर के साथ ही यानी अपने शोहर के तस्वीर करते ही उस चावल के दाने को आपने अच्छी तरह चबा कर खा लेना है। खा लेने के बाद आपने दुरूद इब्राहिम एक मर्तबा पढ़ना है। उस चावल के दाने को खाने के बाद आपने एक मर्तबा आयतुल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम
ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आयतल कुर्सी आपने एक मर्तबा पढ़ना है। एक मर्तबा पढ़ने के बाद आपने अपने लिए दुआ करना है कि या अल्लाह मेरे शोहर को मेरे हक में कर दे और मेरी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। इतना करने के बाद ये अमल आपका मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह। इस अमल को करने के बाद आप देखेंगी कि आपके शोहर आपसे वालेहाना मोहब्बत कर रहे हैं, आपकी हर बात सुनेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। वो शोहर जो तलाक की धमकी देते हैं या घर से निकाल देने की धमकी देते हैं, इंशाअल्लाह ऐसे शोहर भी इस अमल के ज़रिए से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सही हो जाएंगे और आपसे वालेहाना मोहब्बत करेंगे। ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह इस अमल का असर रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स में अपना नाम लिख दे। वो मेरी माँ बहनें जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली मुस्तकबिल की वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को हमारी खानकाह शरीफ में दुरूद शरीफ की महफ़िल होती है। अगर आप चाहती हैं कि हम इस दुरूद शरीफ की महफ़िल में आपके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं तो अपना नाम और अपने मसाइल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आपकी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।